हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जियो 5G कब तक आने वाला है, जिसकी कंफर्म डेट है वो सामने आ चुकी है। और अगर आपके पास में 4G फ़ोन है तो क्या आपको 5G फ़ोन परचेज करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये दोनों सवाल का आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए फिर आरम्भ करते हैं। कि आपको पता है कि जियो ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम जो है इंडिया में जियो 5G लाने वाले हैं, और जो पूरी टेक्नोलॉजी होगी वो इंडिया जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस था। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि कोई बड़े बड़े टेक में कुछ इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो उसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है। तो इसमें जो है जियो के जो मालिक है मुकेश अंबानी जी, इन्होंने भी हिस्सा लिया था, और इन्होंने भी अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया था वर्चुअली यानी वीडियो कॉल के थ्रू। तो उन्होंने इसमें साफ साफ बताया है कि हम जो है जियो 5G हाफ ईयरली यानी बात की जून जुलाई के बाद में 5G आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा, और अब 5G यूज करना स्टार्ट कर दोगे। यानी अभी जस्ट उन्होंने बात कहा ही था, अनाउंसमेंट किया था कि जियो 5G आने वाला, तो इन्होंने आज फाइनली पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि हम जो है आपको जून जुलाई के बाद में यानी सेकंड हाफली में आपको जो है जियो 5G अवेलेबल करा देंगे। आप आराम से अपने फोन में 5G का लुफ्त मजा उठा सकते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश अंबानी जी ने साफ साफ बताया हुआ है कि हम जो है जियो 5G आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस प्रोवाइड करेंगे, और जियो 5G फोन भी आपको एकदम कम प्राइस में अफोर्डेबल प्राइस में ही आपके पास पहुंचा देंगे। क्योंकि आज के समय में भी लगभग 200 से 300 मिलियन इंडियन यूजर्स आज भी 2G का यूज कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कि 4G का जमाना है और इतने लोग अभी भी 2G का ही यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए फोन जो है आपको देंगे एकदम सस्ते में, यानी 2-3 हज़ार की प्राइस, ऐसे लीक्स आ रही है कि 2 से 3 हज़ार की प्राइस में आपको 5G फोन देखने को मिलेगा, और जियो की तरफ से आएगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि जब जियो आया तो 4G लॉन्च किया तो आपको तो फ्री दे दिया एक साल तक, लेकिन अब की बार मेरे को जहां तक लगता है ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, भले ही आपको अफोर्डेबल प्राइस हो, आपको कम प्राइस में 5G मिल जाए, लेकिन मुझे तो लगता नहीं फ्री। लेकिन अगर आपकी किस्मत अगर 5G मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो बात की सेकेंड क्वेश्चन के बारे में कि क्या आपको 4G से 5G में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो कहना है कि अगर आपने जस्ट अभी नया फोन परचेस किया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल गई है, उसमें बहुत सारे लोग ने जो फोन नया परचेस किया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई बहुत भारी काम ना हो तो आप 5G पे शिफ्ट ना कीजिए, आप 4G का ही यूज कीजिए। क्योंकि 4G अगर आपके लिए इनफ है, जो उसकी स्पीड है वो आपके लिए बढ़िया है, आपका वर्क उसमें आराम से हो जा रहा है, तो आपको 5G में कोई भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 5G का जो नेट होगा वो भी महंगा होगा, और 5G का फोन भी थोड़ा ज्यादा कॉस्ट तो होगा ही 4G के मुकाबले। इसके लिए अगर आपने नया फोन परचेस किया तो आपको कोई भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप 5G का मजा उठाना चाहते हो, हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना चाहते हो, तो आपके लिए तो यस से आप आराम से अपग्रेड कर लीजिए और 5G का लुफ्त उठा लीजिए। क्योंकि अभी जो iPhone 12 सीरीज के फोन थे वो भी 5G फोन है, और अगर आप एक नया फोन परचेस करने की सोच रहे हो तो आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि आपको 4G फोन बाय करना चाहिए या 5G के लिए रुकना चाहिए, तो आप वो वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो आपको अभी वेट कर लेना चाहिए। क्योंकि जनवरी और फरवरी यानी ये 2 महीना पूरी तरह से 5G की भरमार होने वाले। जैसे 2021 में आपको 5G ही देखने को मिलेगा। जैसे कि बात कीजिए MI के, तो Redmi Note 10 सीरीज आने वाली है, Realme की X7 सीरीज आने वाली है, फिर Moto का G9 अभी जस्ट जल्दी लॉन्च ही हुआ है। तो आपको 5G बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक नया फोन परचेस करने की सोच रहे हो तो आप थोड़ा 1 महीने वेट कर लीजिए, 1 महीने 2 महीने वेट कर लीजिए, आपको 5G आराम से देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने एक नया फोन परचेस कर लिया है तो आप जो है 5G में अगर आपको जरूरत ना हो तो आप अपग्रेड ना कीजिए। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।